हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचवी स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में कुछ ऐसे सेंटेंस पढ़ने वाले हैं जो कंजक्शन रहेगा एज फॉर एज। इसमें जो भी सेंटेंस पढ़ेंगे, एक कंजक्शन हमको मिलेगा, वो कंजक्शन है एज फॉर एज, जहाँ तक। एज फॉर एज का मतलब होता है जहाँ तक, और हम लोग इसी कंजक्शन से बहुत सारा सेंटेंस बनाएंगे। इसमें जो भी सेंटेंस आएंगे बहुत ही आसान रहेंगे, मेरे पता है। और एज फॉर एज से ज़्यादातर तो सेंटेंस ऐसा ही आता है कि मुझे जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मुझे मालूम है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मेरा सवाल रहा, जहाँ तक मेरे परिवार का सवाल रहा, जहाँ तक मेरी पढ़ाई का सवाल रहा, ऐसे ही आते हैं। उसके बाद में जो भी सेंटेंस रहेगा उसे जुड़ा जाएगा। जैसे कि देखिए, इधर दिया है कि एज फॉर एज, उसके बाद में एज फॉर एज जहाँ तक, फर्स्ट सेंटेंस बोला है अर्थात मैं जानता हूँ, जहां तक मैं जानता हूं। सेकेंड सेंटेंस बोला है उसके दो बच्चे हैं। जहां तक मेरी पढ़ाई का सवाल है, मैं सिर्फ 12वीं पास की है। जहां तक मुझे पता है, उसकी शादी हो चुकी है। जहां तक मेरे पापा मम्मी का सवाल है, मैं उनका ख्याल रखने के लिए काफी हूं। इस प्रकार के सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, तो जहां तक इंग्लिश होता है एज फॉर एज। इसको कई बार बोल जाइए, याद हो जाएगा, एज फॉर एज, एज फॉर एज, एज फॉर एज, जहां तक। देखिए, अभी हम लोग बनाते हैं इसका, इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं। जहां तक, तो पहले हम लिखेंगे एज फॉर एज, एज फॉर एज, जहां तक। मैं जानता हूं, आई नो, आई नो, मैं जानता हूं, कहा दीजिएगा। उसके दो बच्चे हैं, ही हैज टू चिल्ड्रेन। जहां तक मेरी पढ़ाई का सवाल है, मैं सिर्फ 12वीं पास की है। जहां तक इंग्लिश होता है एज फॉर एज, एज फॉर एज। मेरी पढ़ाई का सवाल है, माई स्टडी इज कंसर्न्ड, मैं सिर्फ 12वीं पास की है। आई एम ऑनली 12th पास, आइए मान ली 12th पास। जहां तक मुझे पता है, उसकी शादी हो चुकी है। एज फॉर एज, एज फॉर एज, मुझे पता है, आई नो, उसकी शादी हो चुकी है। He is married. जहां तक मेरे पापा मम्मी का सवाल है, मैं उनका ख्याल रखने के लिए काफी हूं। इस सेंटेंस का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।